हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। आज की वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग Xiaomi 11i की। जी हाँ, यहाँ पर Xiaomi का 11i फ़ोन जो है रिलीज़ हो चुका है और इसकी यहाँ पर हम जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसका प्रोसेसर, रैम वगैरह, और ये आपको लेना कितना ठीक रहेगा, Redmi Note 10 Pro 5G से अच्छा है या बेकार है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे डिजाइन बाय Xiaomi और यहाँ पे हमें केस देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे वही नॉर्मल केस ही है, प्लास्टिक वाला। देख लेते हैं केस की क्वालिटी कैसी है। बस यही केस है जो येलो हो जाता है 1.5 से 2 महीने में, लेकिन अच्छा है केस। अभी हम लगा कर देखेंगे। साथ में हमें यहाँ पे पिन इंसर्टेशन, सिम इंसर्टेशन का टूल मिल जाता है। वहीं पे हमें ये ब्लैक कलर के अंदर हमने जो इसको बाय किया है, 6GB रैम और 128GB रोम इंटरनल मेमोरी के साथ में। इसको अभी साइड में रख देते हैं। यहाँ पर 67W का चार्जर हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप, 67W का चार्जर देखने को मिलता है। जी हाँ, और वहीं पर टाइप सी USB केबल के साथ में, टाइप सी USB केबल के साथ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अच्छी चार्जिंग स्पीड तो अच्छी मिल जाएगी हमें इसके साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है और इसका लुक भी अच्छा है। इसको ओपन कर लेते हैं। मेट फिनिश के साथ में हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप कितना क्लासिक लुक देखने को मिलता है, मेट फिनिश है। साथ में हमें यहाँ पर जो है वॉल्यूम अप और डाउन का बटन मिलते हैं, वहीं पे पावर बटन मिलता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। MI की ब्रांडिंग आ चुकी है। यहीं पे हमें इसके साथ में 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड में, डाउन साइड में भी स्पीकर देखने को मिलता है और वहीं पर ऊपर की साइड में भी स्पीकर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिलता है, IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, 3.5 का जैक देखने को मिलता है। वहीं हम यहाँ पर सिम के लिए यहाँ पर हमें स्पेस देखने को मिलती है, वहीं USB टाइप सी चार्जिंग, और यहाँ पर आपको माइक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको 2 माइक मिलते हैं। MIUI 12.5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है डिस्प्ले है। यहाँ पर जो है 360Hz का जो है टच सेंसिंग रेट हैगा और वहीं पर 120Hz का जो है रिफ्रेश रेट का यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है। AMOLED फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के अंदर जब आप चलाएंगे तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर कार्य होता है, कितना बढ़िया चलता है। यहाँ पर हम कुछ सैंपलिंग बताता हूँ मैं आपको, वीडियो सैंपलिंग। वाइब्रेशन बहुत शानदार है। अगर आप देखें वाइब्रेटिंग तो मतलब आप चलाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 स्पीकर्स हैं तो आपको जो मल्टीमीडिया का मज़ा है वो एकदम बहुत ज़्यादा क्लासिकली देखने को मिलेगा। मतलब दोनों साइड से साउंड, सराउंडिंग स्पीकर वाला जो मज़ा है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। और क्वालिटी के मामले में तो वाकई बहुत शानदार। यहाँ पर पंचुअल कलर्स देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादा देर में इसको प्ले नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर बात करें नेटवर्क की तो यहाँ पर जो है 5G सपोर्टिंग नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर 120Hz का जो है डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। आप उसको यहाँ से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम 120Hz को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको और जो है फिनिशिंग वाला एकदम लुक देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल टच सेंसिंग भी बहुत शानदार है। गेमिंग के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर गेमिंग के मामले में भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं गेमिंग के लिए तो गेमिंग के लिए भी इसको ले सकते हैं। यहीं पर अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर हमें 920 5G डायमेंसिटी वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो गेमिंग के लिए अच्छा है, एक अच्छा प्रोसेसर है। ज़्यादा हीटिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर 128GB वाला वेरिएंट है, 6GB रैम वाला। आप इसकी रैम को यहाँ पर एक्सपांड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 6GB वाला वेरियंट में आप 2GB एक्सपांड कर सकते हैं। साथ में अगर आप 8GB वाला वेरियंट लेते हैं तो उसमें आप यहाँ पर 3GB रैम को एक्सपांड कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ से आप एक्सपांड कर सकते हैं। ये 2GB रैम यहाँ पर हमने इसको एक्सपांड कर रखी है तो यहाँ पर रैम बड़ी हुई है। और जो वाइब्रेटिंग की बात है वो तो बहुत ही ज़्यादा गजब की देखने को मिल रही है।
अब बात करते हैं कैमरे से रिलेटेड, तो कैमरे के अंदर हमें जो है 108 मेगापिक्सल का यानी बैक कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है मैक्रो लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो मैक्रो लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस है, और यहाँ पर फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। बाकी एक डिज़ाइन है, यह देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कंपनी ने जान करके दिया ताकि साइज़ बड़ा हो जाए। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है और मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सेल्फ़ी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा है। यहाँ पर ज़्यादा हमें AI मिल जाता है, तो हमें ज़्यादा डिमांड नहीं होती, क्योंकि AI के अंदर वैसे ही फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का हमें जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले में यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप पंच होल में। तो यहाँ पर आपको जो है इसका लुक भी जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। वहीं पर टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो यहाँ पर 360 हर्ट्ज का जो है टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। देखिए आप देख सकते हैं आप, टच सैम्पलिंग रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ पर आप जैसे ही टच करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको जो है क्विक एक्सेस देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है शाओमी के फ़ोन में। यहीं पर अगर हम बैटरी की बात करें तो 5160 mAh की जो है हमें बैटरी देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बैटरी है और लंबी चलने वाली, लॉन्ग डे चलने वाली बैटरी। यहाँ पर आप अगर जो है आपका यूज़ सिर्फ खाली कॉल का है और व्हाट्सअप वगैरह का आपका नॉर्मल यूज़ है, तो आप 2.5 दिन तक जो है बैटरी का यूज़ कर सकते हो। स्टैंड बाय टाइम तो यहाँ पर जो है 600 hours का मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो अगर आपका यूज़ कम है, अगर आप कॉलिंग वगैरह ही करते हो, नॉर्मल यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली 2 से 2.5 दिन यहाँ पर बैटरी चलेगी। और यहाँ पर 67 W का जो चार्जर है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट चार्जिंग हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1/2 घंटे के अंदर आपका फ़ोन जो है यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। वहीं पर आपको कैमरे में के अंदर Camera 2 API का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आप GCam का यूज़ कर सकते हो, गूगल कैमरे का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के अंदर वाईफाई जो है हमें देखने को मिलता है, वाईफाई 5G के साथ में देखने को मिलता है, वाईफाई 6 में ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है, GPS देखने को मिलता है, IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, जिससे आप जो है लोगों को परेशान कर सकते हो, लोगों के AC बंद मत करना घर पर जा जाके, और यहाँ पर TV का रिमोट भी बना सकते हो, तो यहाँ पर IR ब्लास्टर से आप जो है ऐसे ऐसा कार्य कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी स्क्रीन की, तो यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप जो है इसको जो है पॉकेट में रख सकते हो, अगर कॉइन्स वगैरह हैं तो भी रख सकते हो, स्क्रैच नहीं आएंगे यहाँ पे। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बोल रहा हूँ, आप पॉकेट वगैरह में रख सकते हो। पीछे जो है पीछे गोरिल्ला ग्लास देखने को नहीं मिलता है, ये ओनली फैब्रिक का देखने को मिलता है, तो इसलिए पीछे का थोड़ा ध्यान रखना है, गिराना नहीं। आगे से जो है आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है इसमें आप या तो डुअल सिम लगा सकते हो, प्लस यहाँ पर जो है, या फिर एक सिम के साथ में मेमोरी कार्ड SD कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पर SD कार्ड 1 TB तक सपोर्ट कर लेता है। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर SD कार्ड को आप जो है 1 TB तक सपोर्ट करवा सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करने का MI ने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर प्री इंस्टॉल एप्स ऐसे होते हैं जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होते, तो वो जो है इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था Xiaomi का MI 11i, आपको कैसा लगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, कौन कौन से फीचर्स आपको इसके अच्छे लगे, और जो चीज़ की कमी लगी हो तो कमी भी यहाँ पर कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे, ताकि मैं आपको यहाँ पर जो है इसके आगे की वीडियोस में इसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई ऐसी टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।